नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। निफ्टी व्यू 30 सितंबर 2020 निफ्टी वैसा ही अनफोल्ड हुआ जैसे हमने सोचा था, लेकिन इस बार खुला निफ्टी देखा जाए तो यहां पर है निफ्टी। निफ्टी डेली खुला रेसिस्टेंस पर 11,302 और फिर नीचे आया। हमारा टारगेट तो अचीव हो चुका। अगर ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है तो 302 अब भी टारगेट है और उसके बाद 11,375 ये भी टारगेट पॉसिबल है। लेकिन जैसे ऊपर गया है इससे मुझे लगता है कि शायद वापस थका हुआ है, इतना ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन पहला संकेत हमको तब मिलेगा जब निफ्टी 11,200 ब्रीच करे। ये बहुत ही अहम लेवल है। अब देखा जाए तो ये जो अप मूव है और ये डाउन मूव है उसके हिसाब से लगता है यहाँ पर थकना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं है। चला गया तो 300 में, लेकिन मुझे डाउट है उस बात। चलो निफ्टी इंटरनल देखते हैं क्या। देखा जाए तो काफ़ी लोग कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर की प्रिपरेशन है, हो सकता है। उसके लिए यहाँ से पार करना पड़ेगा 11,280 को, फिर जाके 11,400 और 11,500 देख सकते हैं। जब तक ये 11,280 पार नहीं कर सकता मैं तो कहूँगा ये रेसिस्टेंस है। और पहला संकेत मिलेगा जब ये 11,200 ब्रीच करे और फिर 11,000 भी पॉसिबल है, 10,900 भी पॉसिबल है। ये ऐसा मुझे लगता है जब मैं ये चार्ट देखता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जो चाल नज़र आती है यहाँ से ऊपर तक ये कुछ खास नहीं है। ऊपर से ये स्लांटिंग रूफ है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है तो ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर इस सर्कल जो मैंने बताया है, अगर इस सर्कल में खुलता है और तोड़ देता है 11,200 तो पहला मौका बनता है बेचने का, और ऊपर जाता है तो फिर खरीदने का मौका बनता है। कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है। अब मैं कहता हूँ बाबा भगवान है, अगर ये सर्कल में नहीं खुला तो तब दिक्कत होती है, तब जाके एक्सपीरियंस ध्यान आता है कि कहाँ बेचे कहाँ खरीदे। 11,000 के आसपास खुलता है तो दो जगह, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, देखना पड़ेगा क्या खुलता है कहाँ नहीं खुलता है। ये सब तब होगा जब देखें कहाँ खुलता है, और कहाँ खुलता है वो तो डिपेंड होता है डाओ पर और दूसरा SGX पर। लोग उसको देख कर यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया कभी। हमको निफ्टी ट्रेड करना चाहिए जहाँ हमको निफ्टी देख कर, ना कि जो डाव देख कर। लेकिन लोग करते हैं, करने दीजिए, क्या करेंगे। anyway, देखते हैं निफ्टी बैंक का हाल क्या है। निफ्टी बैंक देखा जाए तो हमारा जो रेसिस्टेंस था 21,859 उसके आसपास ही खुला और नीचे आया, और यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ। इतनी बड़ी गिरावट के बाद तीन दिन भी ऊपर चला गया तो हम नॉर्मली कहते हैं डेड कैट बाउंस, दो तीन दिन का करेक्शन होता है, पॉसिबल है करेक्शन होता है। अगर ऊपर जाता भी है तो 21,859 से अगर ऊपर भी चला गया तो 22,000 यहाँ पर तो बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस है, मुझे लगता नहीं वहाँ जाना चाहिए। anyway, इंटरनल देखते हैं निफ्टी बैंक का इंटरनल का हाल क्या है। इंटरनल तो देखा जाता है क्लियर कट 21,300 ये जो जोन है मेक और ब्रेक लेवल्स है, जहाँ मैंने सर्कल पे मार्क किया। अगर यहीं पर काम खुलता है और ब्रेक करता है 21,300 तो लोअर लेवल 21,000 भी देखने को मिल सकते हैं, शायद और लोअर। अगर ऊपर जाना है तो मेरे ख्याल से 21,700 क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जाके कही कह सकते हैं कि 22,100 जा सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी ट्रेड करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है कर। मैं तो दोनों ही करूँगा जहाँ मुझे मौका मिला। हम तो मौके की तलाश में, मौके पे चौका, सिंपल भैया। हाउ भगवान है, हमेशा मैं कहता हूँ ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, बस वही तो करना है। भाव भगवान है।